पड़ी है गाइस आउट ऑफ नी और बीजापुर का नज़ारा ऑटो से कुछ ऐसा दिखता है। तो ऑटो का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये भाई साहब इस तरीके से ऑटो ड्राइव कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? तनवीर। तनवीर, तनवीर भाई साहब है। काफ़ी रश है आज यहाँ पे, ये देख सकते हो, ऐसे लाइन है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से 25 रुपीज़ का टिकट हमको मिलता है। अब ये बैग यहाँ पे, लगेज यहाँ पे रख कर अंदर घूमने जाते हैं। ये ऐसे कुछ गोल गुंबज का बाहर से नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही शानदार सा नज़ारा है। ये ऊपर की ओर जाता है रास्ता, ये संगरा सा रास्ता है, ये देख सकते हो आप लोग। एक आदमी यहाँ से पास हो सकता है। ये ऊपर आने के बाद कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है। और वो वाले गेट से हम लोग अंदर आए हुए थे। अंदर जाने के लिए फिर से एक संकरा रास्ता है। ये चारों ओर से हम लोग बाय वॉक करके देख सकते हैं सब कुछ। ये नीचे की ओर ये मकबरा वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हेलो गाइस, मायसेल्फ राज थंबोली एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। आज बीजापुर का जो गोल गुंबज है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं गांधी चौक एरिया, ये एरिया में हूँ बीजापुर में। तो ये कुछ मार्केट है, यहाँ से हम लोग अभी गांधी चौक जाएंगे, वहाँ से ऑटो लेकर गोल गुंबज की ओर जाएंगे। यहाँ पे गोल गुंबज के लिए या किसी भी तरफ जाते हो तो दो टाइप की ऑटो मिलती है आपको। एक तो है प्राइवेट, हम लोग करके जा सकते हैं, और दूसरी शेयरिंग वाली। प्राइवेट अगर ऑटो लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होता है, बजट के हिसाब से आप लोग देख सकते हो सब कुछ। और शेयरिंग में जैसे कोई शेयरिंग होगी 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक आ जाता है पर हेड। गर्मी का सीज़न है अभी तो, और बादल भी आए इसीलिए ज़्यादा धूप नहीं है, तो फ्रेश लग रहा है आज माहौल, मौसम फ्रेश है। सिग्नल की वजह से सभी गाड़ियाँ ऑटोज वगैरह यहाँ पे रुकी हुई है रास्ते में सब कुछ। देखते हैं कौन सी ऑटो जाती है। भाई गोल गुंबज, गोल गुंबज कितना, गोल गुंबज 20 रुपीज़ है ना उधर? अच्छा अच्छा, वो साइड से क्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ, ये ट्रैफिक काफ़ी है गाइस यहाँ पे। ये वाला गांधी सर्कल है ये साइड में, ये कुछ इस तरीके से सर्कल का नज़ारा आ रहा है। बड़ा सर्कल है ये, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्कल का नज़ारा है ओवरऑल। उस साइड से हमको ऑटो मिलेगी गोल गुंबज की ओर जाने के लिए। शेयरिंग ऑटो करेंगे, देखते हैं कितने लेते हैं। ये वॉकिंग ट्रैक कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। इस साइड से हमको मिलेंगे गोल गुंबज की ओर। गोल गुंबज 20, चलो चल पड़िए गाइस ऑटो अपनी गोल गुंबज की ओर। बारा कमान का अलग से लेके, तो यही रूट पे बारा कमान ये भी स्पॉट आता है। और बीजापुर का नज़ारा ऑटो से कुछ ऐसे दिखता है। ये सिटी का नज़ारा है पूरा। ये इस साइड पे यहाँ पे बारा कमान है, इधर ही हाँ ये वाली बारा कमान। तो ऑटो का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये भाई साहब इस तरीके से ऑटो ड्राइव कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? तनवीर। तनवीर, तनवीर भाई साहब है। ये सर्कल कौन सा है? ये अम्बेडकर सर्कल है। अम्बेडकर सर्कल, ऐसे ही सर्कल का नाम है। तो बस स्टैंड से तकरीबन 2-3 किलोमीटर हमको गोल गुंबज लगेगा। गोल गुंबज का यहाँ पे सामने हमको नज़ारा देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये लो, थैंक यू।
चलो तनवीर भाई, थैंक यू। गोल गुंबज के अंदर आने के बाद, ये कंपाउंड से अंदर आने के बाद, ये पीछे का नज़ारा इस तरीके से दिखता है। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे गोल गुंबज का। वो दूर वाला जो है वहाँ पे हमको जाना है। यहाँ पे टिकट घर है, टिकट निकालेंगे। 1 पर्सन के लिए 25 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पे सामान कक्ष भी है जहाँ पे हमको ये बैग रखना पड़ेगी। ये इस साइड पे टिकट घर है गाइस। और कुछ इस तरीके से 25 रुपीज़ का टिकट हमको मिलता है। अब ये बैग यहाँ पे, लगेज यहाँ पे रख कर अंदर घूमने जाते हैं गाइस। यहाँ पे अलग सा रूल है, यहाँ पे गोप्रो अलाउड नहीं है। तो मैंने मेरा सब कुछ लगेज, गोप्रो वगैरह, ये यहाँ पे जमा कर दिया है। तो चलते हैं, अभी मोबाइल से बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अजब सा रूल है गाइस, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा ये। चलो देखते हैं फिर भी मोबाइल से। ये कुछ ऐसे यहाँ पे रश है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ से एंट्री है, वो वाले गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पे ये नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है। और ये है पुरातत्व विभाग का म्यूज़ियम, पुरातत्व वस्तु संग्रहालय। यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज़ वाले जो भी चीज़ें हैं उसका म्यूज़ियम यहाँ पे है। ये इस तरीके से म्यूज़ियम है यहाँ पे फ्रंट ऑफ गोल गुंबज के। और म्यूज़ियम के आउटसाइड ये नज़ारा इस तरीके से है, ये गार्डन का ऐसे दिखाई देता है सब कुछ। ये वाला म्यूज़ियम, इसको टिकट निकाल के हम लोग अंदर से देख सकते हैं, बट यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से ये म्यूज़ियम है यहाँ पे। और ये वाले साइड से हम लोग गोल गुंबज देखने के लिए बैक साइड जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सब कुछ नज़ारा है। और ये म्यूज़ियम का नज़ारा इस तरीके से, ये म्यूज़ियम के साइड से गोल गुंबज का काफ़ी खूबसूरत सा आर्च दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सब कुछ, बहुत ही शानदार सा दिख रहा है यहाँ से गोल गुंबज। ये अंदर की ओर आने के बाद जैसे ही म्यूज़ियम के बैक साइड में ये वाला नज़ारा यहाँ से देखने मिलेगा गोल गुंबज का। बहुत ही खूबसूरत दिखता है यहाँ से, उसको अंदर से जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पे म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, ये भी प्राचीन बनावट है। और ये सब कुछ गोल गुंबज का वहाँ से गेट है, इसके बैक साइड से हमको जाना है। ये पीछे वाले रास्ते से हम लोग अंदर आने के बाद ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है गोल गुंबज का। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से, ये देख सकते हो। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर एक मस्जिद है और यहाँ पर लॉन है। इस साइड भी लॉन का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे ये गोल गुंबज का। ये ऐसे कुछ गोल गुंबज का बाहर से नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही शानदार सा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये वाला एंट्रेंस का गेट बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा दिखता है। यहाँ पे छोटा सा तालाब है जो कि अभी पानी नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसे दिखाई देता है सब कुछ, ये बाहर से काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है। ये आप लोग देख सकते हो ऊपर का सब कुछ, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन है बाहर का गेट। ये इस तरीके से दिखाई देता है सब कुछ नज़ारा यहाँ का। गोल गुंबज की बनावट काफ़ी ज़बरदस्त है, ऊपर का सारा नज़ारा देख सकते हो। ये सब कुछ बाहर से इस साइड का भी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। इसको अंदर से देखते हैं, अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। बाहर से तो कुछ नज़ारा इस तरीके से है गोल गुंबज का। और एंट्रेंस का भी नज़ारा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये वाली डोर से हम लोग आए हुए हैं। ये ऐसे बैक साइड पे मकबरा है यहाँ पे। ये चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही है ऊपर जाने के बाद, अगर हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ 7 टाइम गूंज के हमको आती है। 7 टाइम उसका इको होता है यहाँ पे, ये गुंबज पे ये 7 टाइम इको होता है। ऊपर का गुंबज का नज़ारा कुछ इस तरीके से, काफ़ी बड़ा है। और ये बिल्डिंग ऐसी है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये पूरे कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए बीच में एक भी पिलर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये गुंबज को पूरा बनाने के लिए एक भी पिलर यूज़ नहीं किया गया है। ये मकबरे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है।
और ये ऊपर गुंबज का नज़ारा, काफ़ी बड़ा गुंबज है ये देख सकते हो। और इस साइड की भी बनावट काफ़ी ज़बरदस्त है, इस साइड भी देख सकते हो आप लोग, बहुत ही शानदार सा बनाया हुआ है ये। इस तरीके का मकबरों के साइड में ये बनाया गया है गोल गुंबज के अंदर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये मकबरे का नज़ारा। ऊपर चलकर इसको ऊपर से एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आता है ऊपर से भी, ये मकबरा ऊपर से भी दिखाई देता है। देखते हैं ये वाले मकबरे को वहाँ पे जाकर, ऊपर गुंबज की ओर जाकर। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चार जगह से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए जगह यहाँ से है, अंदर जाने के लिए संकरी सी सड़क है, इसके अंदर चलकर देखते हैं हम लोग। ये ऊपर की ओर जाता है रास्ता, ऐसा रास्ता है, ये संकरा सा रास्ता है, ये देख सकते हो आप लोग। एक आदमी यहाँ से पास हो सकता है, जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो ये वाला ऐसा गैलरी का नज़ारा देखने मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर गैलरीज है, ये यहाँ पे ऐसे स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, तो चलते हैं। अभी हम लोग इस साइड से अंदर जाएंगे। ये ऊपर आने के बाद कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है, ये गोल गुंबज का नज़ारा ऊपर से, वो वाला म्यूजियम यहाँ से दिखाई देता है, और वो वाले गेट से हम लोग अंदर आए हुए थे। अंदर जाने के लिए फिर से एक संकरा रास्ता है ये गुंबज के अंदर जाने के लिए, चलते हैं अंदर, चलकर देखते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पे गुंबज का, ये चारों ओर से हम लोग बाय वॉक करके देख सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे इको 7 times इको आता है, ये ऐसे यहाँ पे नीचे का नज़ारा है, काफ़ी ज़बरदस्त है ये गुंबज का नज़ारा, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये पूरा। ये साइड से हम लोग देख सकते हैं ये नीचे की ओर, ये मकबरा वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हम लोग वो वाले गेट से चलकर ऊपर आए थे, ये नीचे का नज़ारा ऐसे दिखाई देता है, बहुत ही गहरा है। यहाँ पे आवाज़ का इको काफ़ी ज़्यादा होता है, ये गुंबज में हम लोग जैसे ज़ोर से चिल्लाते हैं तो उसका इको बहुत ही ज़बरदस्त आता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे यहाँ पे साइड से घूम सकते हैं हम लोग, ये ऐसे काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है ऊपर का गोल गुंबज का इस साइड पे। और ये ऊपर वाला काफ़ी बड़ा गुंबज यहाँ से दिखाई देता है, और नीचे भी ये काफ़ी गहरा है देख सकते हो आप लोग। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, ये वाली स्टेप से नीचे जाना है, ये संकरे रास्ते से नीचे जाएंगे, ये यहाँ से लास्ट वाले फ्लोर पे हम लोग आए हुए हैं अभी। ये संकरे से रास्ते से अंदर फिर से गोल गुंबज के अंदर जाएंगे हम लोग। ये रास्ता आप लोग देख सकते हो काफ़ी संकरा सा है, एक ही आदमी यहाँ से पास हो सकता है। तो ये अंदर आने के बाद वापस से ऊपर का नज़ारा इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा सब कुछ यहाँ पे नज़ारा है गोल गुंबज का।
Hey guys, it's time to now sign out. आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा guys. और मेरा चैनल Hawk Traveler को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा guys. तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.